पड़ता तेवी प्रबोलिया महाराज शू कहो छो तमे जेम आपो आगन्या तेमा सहु करिए अमे महाराज कहे एक तमे एक अमारो तम साथ तमे ले जो लाडवा ए लिश जेसी का हाथ फिर से पोताना पार का जो कर सो जराया तो तमने ए ताल से तेनी राव रोशन काया पची भर्या मोदक ना गाड़ला तेने जुता जो दजुवान पाक फरे पंगत्यमा एम जमाड़े जीवन प्राण ओए ब्राह्मण भुंडाई न तजे लई बैठा एक लाकड़ी तये महाराज कहे काठियो तमे आओ सहु घोड़े चढ़ी लेवरावी सहु ने लाठियो काठी आविया घोड़े चढ़ी बिना गोली ये छोड़ियो क्या बंधु को बहू पड़ी भांगी भड़ा के कोठियों सुंदर दाड़नी सोड़ा जाने दुष्ट विघन पाड़ सू सामू पड़िया पोता ने रोड़ा खोटे डारे डरावया कहे उठ सो जमता कोया जरूर तेने मार शू तमे उठ जो के जोया युक्ति करी ने जमाड़िया नव्य पड़वा दीधू विघाना एम रूड़ी रीत सू महाराज कराव्यो जगाना पछी दिवस वड़ते तेरा पुराणी पंडित करी चर्चा चौक मा क्या थई पोतानी जीता लाखों लोक भेड़ा थया नी रखवा नयने नाथ ते मानरत सकरा आव्या ता नाखवा हाथ जोयो सर्वे संग ने बहु खबरदार दी ठाकरा पछी अश्व उपरे आविता किया तसकरा प्राण दिवस ना भूख्या तरस्या नयने निद्रा नव्य करी आविने जुवे अश्व ने त्या घोड़े घोड़े दीठा हरी पछी प्रभु ने पाए लग्या कहे दया कर जो दयाल ज्याथी गुना छूटिए क्या कर्या गुना कृपाण पछी सत्संगी थई वड़ी गया पोताने घेरा एम पोते आने करीते लीला लेरा दास ना दुख कापवा आपवा दर्शन दाना फरे फरे हरि संग मा वड़ी बैसे मेरे भगवान मेरा ऊपर महाप्रभु पड़ मेली ने पोड़िया घड़ी अजाने एक जान आव्यो मन फर मेरे चढ़ी
जब की जीवन जागिया बड़ी अचानक उठ्या हरी कौन है तू अम पासड़े एम कही नेरी सकरी पहेर्या हता बहु पेर्यना वड़ी घरेणा घना घना अंगो अंग ओपता सुंदर ते सुवर्ण तना वेट मिटी ने कनक काड़ा पोची अंगोठी ओपती बाजू काजू बेर खावड़ी शोभे काने कुंडला अती कंठे हारते है मना भूल रही रासा कड़ी अंग अंग आभूषण पहरी ओढ़ियाता पोते वड़ी देवा समामा पुठाड़िया वड़ी जालम नर जगदीश ते सारू सहु उपरे महाराज करी रीसा पछी आभूषण उतारिया अने फेंकिया फरता वड़ी अंबर एक अंगे राख्यों बीजा मेलिया सर्वे मणी केड़े न जवाय पासड़े बड़ी बीक लागे सहुने जोई जीवन रूठड़ा बड़ी दुख थायू बहुने पछी भाई रामदास जी धीरे धीरे पासे गया महाराज वस्त्र ओढ़िए अम ऊपर करी दया पछी वस्त्र पहेरिया हसी प्रभु जी बोल्या बड़ी अति उदासी अति घणी पण हवे तो सर्वे टणी पछी वी प्रतेड़ाविया तमे करो शीघ्र रसोई लाखो मानस जामशे वड़ी केम रह्या छो सोई ब्राह्मण भेड़ाना उंग मा सूता ते सजने संताया ते एको एक ने उठाड़िया प्रभु पोते झाली बाया पछी मन मान्या मोदक करी जमे वाड़व जूथ ना जूथ पारन आवे पंगत्यनो वड़ी मर्यावी प्रवरूथ आपे सीधा अति गणा मांगे साख्य त्या शत पाँच कोई रीते सरा जामनी वड़ी आवे नहीं लेश नाच जे जे कारते थई रह्यो आपे अन्न ते अति घणो भेट बांधी ब्राह्मणे जे जामिये ते आपनु पछी थई पूर्णाहुति यज्ञ निर्विघ्न थयो वंका शिर डंका दई प्रौढ प्रताप जनावियो पछी विद्या जोई विप्रनी दिधा दान दक्षिणा घणी राजी करी वड़ी वाडवा वड़ाविया भुवन भणी वड़ी खरच ता खुट्या नहीं वद्या लाड वाला खून सही गोल घिने दाण रसाण वड़ी पीष्ट नो पार नहीं पछी पूछू नाथ ने
આ મોદકનું કેમ કરીએ, આપો ઘરો ઘર ગામમાં એમ હુકમ કીધો હરીએ. પછી માંડ્યા આપવા ભરી ભરી મોદક ટોપલા, હાલતા ખૂટ્યા નહીં પોતા લાડવા અતિ ભલા. વહેંચતા વધી પડ્યા તે નાખ્યા જળમાં જંતુને, મહારાજે આપી આજ્ઞા વળી સાજા માંદા સંતને. પછી સંઘ સર્વે ને શીખ આપી, જાઓ સહુ સહુ ને ઘેર, પંચવ્રત ને પાળજો, પ્રભુ ભજજો રૂડી પેર. પછી પોતે પધારિયા કરી તે જય જયકાર, કરી લીલા ડભાણમાં અલબેલે અપરમ પાર. પોતે યજ્ઞ પૂરો કર્યો પુષ સુધી પુણ્ય માતિથી, તે યજ્ઞ પૂરો થયો કયો યથા યોગ્ય કાંઈક કથે. ઇતિ શ્રીમદેકાંતિક ધર્મ પ્રવર્તક શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે ભક્ત ચિંતામણી મધ્યે ડભાણમાં યજ્ઞની સમાપ્તિ કરી એ નામે 59 પ્રકરણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.